है जैसे ही 4.0 अनलॉक 4.0 जैसे ही शुरू हो गया है, वैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जो थे वो चेंज कर दिए हैं। अब ट्रैवलिंग अलाउ कर दिया गया है और ई पास का कंपल्शन भी हटा दिया गया है, तो एक ऐसी फ्रीडम वाली फीलिंग आ रही है नहीं यार। जैसे अपने तिरंगे में 15 अगस्त को जैसे कबूतर बांध के छोड़ते हैं ना, वो कैसे फ्री हो जाते हैं, उस तरह से पब्लिक रस्ते पे फ्री हो चुकी है। वेलकम बैक गाइस, आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइव। मैं आज फिर से निकल पड़ा हूँ, एक्चुअली नासिक के लिए जा रहा हूँ, मम्मी पापा को लाने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग से व्लॉग, घर से निकलते समय व्लॉग नहीं शुरू किया, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी में था। सुबह मतलब मैं 11:30 बजे निकला हूँ, अभी बज रहा है 3:13 हुए हैं, तो मैं ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आ चुका हूँ। अभी घाट का सेक्शन शुरू होने वाला है, इगतपुरी कसारा घाट का, तो इस व्लॉग में मैं आपको घाट का सेक्शन दिखाने वाला हूँ, स्पेसिफिक घाट का सेक्शन। और वो घाट का सेक्शन मैं कितने मिनट में कंप्लीट करता हूँ वो भी दिखाने वाला हूँ। मैं माउंट पे अपना गोप्रो फिक्स कर दूंगा ताकि मुझे दोनों हाथ अपने स्टेयरिंग पे रख सकूँ मैं, और सेफली चला भी सकूँ। तो आगे का कुछ माहौल, कुछ नज़ारा इस तरह से है। बारिश आ रही है, जा रही है, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, तो बीच बीच में मुझे बारिश लगी, बट अब नहीं है यहाँ पे। देखो मस्त ट्रैवलिंग जैसे ही खुल गया ना, तो सच में एक फ्रीडम वाला फीलिंग आ रहा है। सामने का क्या नजारा है, मस्त पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बादल और नीचे मस्त हरियाली है, वाह। जो जगह है यहाँ से घाट स्टार्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से घाट का एंट्री है और वो सामने से जो रोड आ रहा है वो एग्जिट है, मतलब उधर से आने वाली गाड़ी वहां से आती है और जाने वाली यहाँ से। पहले जो था ये घाट सिंगल हुआ करता था, मतलब एक ही रोड था और जाने वाले भी उसी रोड से, आने वाले भी उसी रोड से। बट अभी कुछ पिछले कुछ सालों से 4 लेन बन चुका है, तो 1 वे हो चुका है, जाने वाले एक साइड से आते जाते हैं और आने वाले एक साइड से आते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये घाट का सेक्शन, मजा आने वाला है, देखते हैं चलो।
तो दोस्तों कंप्लीट 9 मिनट लगे घाट हमको नीचे से ऊपर तक आने के लिए, और हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और सच में ऐसे लग रहा है कि ऊपर पहुंच चुके हैं। ये इधर देखो, ये साइड देखो, वाओ काम कर दिया। थोड़ा बाहर जाके नजारा कर लेते हैं। वाओ क्या जबरदस्त नजारा है यार। और दूसरी साइड में वो रास्ता नीचे जाता है, ये बहुत सही जगह है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, मुझे लगता है पीछे चला गया एक मंदिर था, घाटन देवी नाम का मंदिर है, घाटन देवी का मंदिर है। और ये देखो, ये फूल हमने अलीबाग में देखे थे, सेम वही फूल है। ये देखो यहाँ पे भी है वही। क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, पूरा पूरी वैली दिख रही है टोटल। और ऊपर वो पहाड़ के ऊपर बादल है। वाह मज़ा आ गया दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।